इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है और ये देखिए मैंने इतनी गाढ़ी ग्रेवी रखी है, आप चाहें तो पानी ऐड करके इसको पतली भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाने जा रहे हैं सभी की फेवरेट रेसिपी बटर पनीर मसाला। इसे आज हम ऐसे बनाएंगे कि ये फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी, पर टेस्ट इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं बटर पनीर मसाला बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टमाटर, 4 प्याज और 2 हरी मिर्ची। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब इन सभी को एक मिक्सिंग जार में डालकर हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें टमाटर है तो उसमें वैसे भी पानी होता है। अब मैं इसको मिक्सी में चला के इसका एक पेस्ट तैयार कर लूंगी। ये मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम इस पनीर के पीसेस कट करेंगे। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, अब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। आप छोटे बड़े कैसे भी पीसेस कट कर सकते हैं। ये मैंने पनीर को पीसेस में कट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा 1/2 टीस्पून। इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, प्याज और मिर्ची का पेस्ट। इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे और साथ में ही इसमें मैं मिलाऊंगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भुनने देंगे। ये मसाला थोड़ा थोड़ा भुन गया है। अब मैं इसमें डालूंगी स्वादानुसार नमक, लाल मिर्ची स्वाद के अनुसार, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, हल्दी 1/2 टीस्पून और साथ में गरम मसाला 2 टीस्पून। और साथ में मैं इसमें डालूंगी 4 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये धनिया मैंने दरदरा पिसा हुआ लिया है, आप चाहे तो बारीक पिसा हुआ धनिया भी काम में ले सकते हैं। अब इसमें साथ में ही मैं डालूंगी 1 टीस्पून बेसन। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हम भुनने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। ध्यान रहे मसाला नीचे तले से न लगे। ये मसाला भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बूरा। ये मैंने 4 चम्मच नारियल का बूरा लिया है। इसको भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी थोड़ा सा हम भुनने देंगे। नारियल का बूरा भी मसाले के साथ बहुत अच्छे से भुन गया है। नारियल का बूरा भुन जाता है तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे मलाई। ये मैंने 1/2 कप मलाई ली है। ये थोड़ी सी आपको पीली दिख रही है क्योंकि ये गाय के दूध की है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भुनने देंगे। ये मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। पानी आप ग्रेवी के हिसाब से डाल सकते हैं। आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो उस हिसाब से, अगर कम चाहिए तो कम पानी। अब इसमें अच्छे से बॉईल आने देंगे। इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है और ये देखिए मैंने इतनी गाढ़ी ग्रेवी रखी है। आप चाहें तो पानी ऐड करके इसको पतली भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पनीर के साथ। पनीर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम एक बॉईल आने देंगे और गैस को बंद करके इसको बॉल में निकाल लेंगे। पनीर को मैंने बॉल में निकाल लिया है। अभी ये बहुत गर्म है। अब हम इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे और साथ में मैं इसको धनिया से गार्निश कर दूंगी। ये बटर पनीर मसाला बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसमें कितना सुंदर कलर आया है और टेस्ट भी बिल्कुल बाजार जैसा आया है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।